बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए जोर से बोलिए जय भीम जय भीम। हाथ उठा के बोलिए जय भीम जय भीम। मैं आपके सामने लंदन से आया हूँ। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि हम लोग बाहर बैठे एनआरआईज अपने देश के लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, जो दर्द आप लोगों को यहाँ बैठ कर है वो भी बाहर बैठ कर है, वैसा ही दर्द उसी दर्द को हम महसूस करते हैं। चाहे यहाँ भारतवर्ष में अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, इन सब चीज़ों को हम लोग उस दर्द को उस सारी व्यथा को हम लोग बाहर बैठ कर भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ कर महसूस करते हैं। ये सच है और इस सच्चाई को आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि हम लोगों ने बाहर बैठकर जो भी कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे वो करने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे भी साहिब साहब ने बोला कि यूएनओ के अंदर जाकर इस आवाज़ को उठाए जाने की कोशिश की जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जाकर उस आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे अत्याचार बंद होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ये सब होगा नहीं जब तक आप लोग एक एक तक इस सूत्र में नहीं बंध जाते। हमारे बीच में इस वक्त यही प्रॉब्लम है कि हम अगर इन यातना को सहन कर रहे हैं उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हम लोग बिखरे हुए हैं और हम लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधे हुए हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग अगर एक तरह के सूत्र में बनते हैं, बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो आज आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, आप कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से आगे भी इस तरीके से बढ़ते रहें, एकता के सूत्र में बने रहें और जो हमारे समाज की दशा और दिशा है उसको ठीक से समझने की कोशिश करें और साथ मिलकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी टेलीविजन के माध्यम से जो कि 200 नेशंस में टेलीकास्ट होता है उसके माध्यम से हम लोग आपके साथ हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी कुछ प्रोग्राम करना उसके माध्यम से आपके साथ हैं और आपको आपके सामने वादा करते हैं जिम्मेदारी के साथ कि हम आप इसी बात का खत्म करता हूँ। जय भीम। अब मैं अमन